Hey guys, my name is Sultan. My name is Malaika. और आप देख रहे हैं Me versus You official. Code name Tiranga movie, Indian movie है जिसपे आज हम reaction देने जा रहे हैं. और जैसा कि मैंने पहले भी mention किया, आज मैं फिर इस बात को mention कर रहा हूँ. हमारी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है करीना रॉय, जो इंडिया मुंबई से हैं, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा प्यार है उनकी तरफ से, और कंटिन्यू वो नाराज़ भी है कि हम उनका थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि हम उनको रिस्पांस नहीं देते और उनका नाम मेंशन नहीं करते, कमेंट जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं लगाते. तो देखें, स्क्रीनशॉट तो मैंने उस दिन बस वो मेंशन कर दिया था, लेकिन जो है वो बड़ी माजरत, मैं दोबारा उसको मेंशन नहीं कर सका. तो आज मैंने पहले ही जो है वो, कल भी मैंने जो है वो नाम पहले ही ले दिया था सब्सक्राइबर का, क्योंकि मैं बातों में भूल जाता हूँ, सब्सक्राइबर नाराज़ हो जाते हैं. तो आज मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने जो है वो सब्सक्राइबर का नाम ले दिया है, जो करीना रॉय हैं, इंडिया मुंबई से हैं, और काफ़ी प्यार है उनकी तरफ से, कमेंट उनकी तरफ से जो है वो रेगुलर कमेंटेटर हैं, वो कमेंट करती हैं वो रेगुलर बेसिस पे, और लाइक्स है, सब्सक्राइब है, शेयर है, उनका प्यार है, सपोर्ट है. तो बहुत शुक्रिया आपका. और काफ़ी टाइम से जो है वो कंटिन्यू जो है वो लिंक्स भेज रही हैं, तो उनके तकरीबन कोई उनके 10-12 लिंक्स मेरे पास आए हुए हैं. उन 10-12 लिंक्स में से करंटली लिंक इनका ये है, जिसकी मूवी का नाम है कोड नेम तिरंगा, जो इंडियन मूवी है, इंडियन मूवी का ट्रेलर है. इसी मंथ में ये मूवी रिलीज होने वाली है, 14 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है. अब इस मूवी में ऐसा क्या है जो इतनी रिक्वेस्ट इस मूवी की आ रही है? मेरे ख्याल से ये मूवी जो है वो काफ़ी आर्मी बेस्ड या सोल्जर बेस्ड मूवी होने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही है कोड नेम तिरंगा. तो इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलता है, तो हम बिल्कुल जी इस ट्रेलर को देखेंगे, आप भी देखें, और देखते हैं कि इस पे क्या मजीद बात हो सकती है, कि क्या हमें नया कुछ इसमें देखने को मिल सकता है. और इस मूवी की जो कास्ट है वो मैं आपको मेन कास्ट बता देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो यहाँ मेंशन है वो सारे नए एक्टर हैं इसमें. बाकी मैं आपको मेन बता देता हूँ, प्रणीति चोपड़ा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, और ऋषभ दस गुप्ता आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे. मेन कास्ट मैंने आपको बता दी है, बाकी जो छोटे मोटे एक्टर हैं तो वो अपनी जगह पर हैं, जब उनको मूवी देखेंगे तो पता चलेगा. तो पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं. चलें जी, 1, 2, 3 टी सीरीज. जब एक कमजोर इंसान आवाज उठाता है तो पूरी दुनिया लानत करती है, लेकिन जब वही कमजोर इंसान बंदूक उठाता है तो उसे दहशतगर्दी कहते हैं. खालिद उमर टर्की में छुपा है. 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद हमने इसको देखा था. यू विल नीड योर बेस्ट मैन फॉर द जॉब. रेंजर 1201, डू यू कॉपी? So Durga, you have a job to do. I missed one. Dr. Mirzali. मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी. मेरा दिल हमेशा अफसोस करेगा, काश तुम्हारी दुआओं के साथ साथ तुम भी मेरे साथ. मतलब? क्या तुम मेरी शरीक के हाथ बनोगी? सानू पहली बारी हो गया है प्यार, नी दस होन की करिए. दिल तेरा होई जानता है यार, नी दस होन की करिए. वेलकम टू गाजिंटर. आई एम एक्सपोज्ड. अपना असली नाम तो बता दो. दुर्गा सिंह, स्पेशल आर्म्स. या तो वो मेरे साथ इंडिया आएगा या आप मुझे रिलीव कर दीजिए. तुम मिर्जा से 2 महीने पहले मिली हो और इस आदमी को हम पिछले 20 सालों से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. या तो हम आज उमर को मारेंगे या खुद मरेंगे. उमर हमेशा से पाकिस्तान का ज्यादा वफादार रहा है.
इन एंड आउट जॉब होना चाहिए और ये मिशन का कोड नेम होगा तिरंगा। कॉपी स्काई रेंजर, दिस इज अल्फा वन। भाई मैं इस मूवी के बारे में आपको यही कहूंगा कि मैंने दोबारा से टाइगर जिंदा है मैंने देख ली है और वही पूरा पैटर्न है इस मूवी का। टाइगर जिंदा है में जो सलमान खान और कैटरीना कैफ का जो है वो वही सेम इसका मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे नजर आ रहा है। मुझे कुछ इस मूवी में चेंज नजर नहीं आया और वही ड्रेसिंग्स जैसे कैटरीना कैफ के जो है वो फाइट मूव्स थे वही इनके जो है वो फाइट मूव्स हैं और सलमान खान की जो ड्रेसिंग थी टोटल ड्रेसिंग उनकी जो है वो हीरो हैं उनकी भी वही ड्रेसिंग है। बस फर्क ये है कि इसमें जो है वो थोड़ा सा हमें जो है वो चेंजिंग हमें देखने को मिली है कि इसमें एंडिंग में जो है वो प्रणति हमें काफ़ी नज़र आई है इसमें एक्शन में जिसमें उसमें सलमान खान हमें जो है वो उस मूवी को एंड करते हुए नज़र आए थे। और बाकी मुझे ओवरऑल ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है और काफ़ी बड़े बजट पे मूवी लग रही है क्योंकि इंडिया में आई थिंक ये इंडिया में 30-40% ये इंडिया में शूट हुई होगी और बाकी ये मूवी आउट ऑफ इंडिया शूट हुई है और जहाँ तक मैं देख के आपको बता रहा हूँ। और बाकी आप लोग बताएं कि आपको जो है वो क्या समझ में आया इस मूवी में और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे इस मूवी में थोड़े से जो है वो मुझे समझ में नहीं आए अभी वो जब आप मूवी को देखेंगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि मूवी इस महीने रिलीज हो जाएगी और फिर इस मूवी का रिव्यू देखेंगे कि रिव्यू क्या है उसके बाद फिर जाहिर सी बात है मूवी मैं इस टाइप की मूवी बड़ा बहुत ज़्यादा मैं शौकीन हूँ कि जिसकी स्टोरी होती है कोई आपको देखने को कुछ मिलता है कि भाई आपको पता है वक्त भी ज़ाया नहीं होना और काफ़ी एनर्जेटिक सीन्स हैं इसमें। सॉन्ग मुझे इसमें एक ही सॉन्ग मुझे सुनने को मिला है इसमें एक सॉन्ग बाकी तो मुझे कोई सॉन्ग इसमें नज़र आए नहीं है और काफ़ी छोटी और लिमिटेड और एक्शन मूवी है मुझे लग रही है और इसका नाम है कोड नेम तिरंगा। तो मैं बिल्कुल आपको जो है वो ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो ये मूवी देखें और जिन जिन लोगों ने जो है वो ये ट्रेलर की हमें रिक्वेस्ट की थी तो उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइबर का मैं नाम जो है वो ले चुका हूँ पहले दोबारा ले दीजिए और बाकी बहुत प्यार बहुत सपोर्ट जहाँ जहाँ से जो लोग जितना प्यार कर रहे हैं उनका बहुत सपोर्ट इसी तरीके से और सपोर्ट करते रहे। यूके से बहुत प्यार है, यूएस से बहुत प्यार है, लंदन से बहुत प्यार है, बांग्लादेश से बहुत प्यार मिल रहा है, इंडिया से बहुत प्यार, इंडिया से, दिल्ली से, मुंबई से, जुहू से आज मेरे पास मैसेज रिसीव हुआ है, कानपुर से मेरे पास मैसेज रिसीव हुआ है इंडिया से। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जहाँ जहाँ से भी जितना प्यार कर रहे हैं बड़ी मसरूफियात में से थोड़ा वक्त आप हमारे लिए निकालते हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग इतने प्यार देते हैं हमें लगता है कि हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है और आप हमारी वीडियो को बड़े दिलचस्पी के साथ आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह।